यहाँ पे भरोसा नहीं रहा, हमारा भरोसा उठ गया सर, कि भीड़ आती है तो बताओ जय श्री राम के नारे लगा के, किसी के हाथ में लाठी है, सरिया है, किसी के हाथ में कुछ भी है, अजीब अजीब तरीके हथियार लाते हैं और सारा मोहल्ला हमारा जला दिया सर। गली में अगर एक हिंदू का घर है तो वो सेफ है, और जितने मुसलमान के घर हैं वो सारे एक तरफ से जला के राख कर दिए और लूट भी लिए। प्रशासन भी थोड़ा हमारा साथ नहीं दिया, हम पे अत्याचार हो रहा था, लेकिन प्रशासन देख रहा था, हम अपनी हिम्मत हार गए। हमने कहा हमारा जब हमारे मुल्क की जब हमारी शासन प्रशासन हमारे साथ नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमने जान बचा के अपने मुस्तफ़ाबाद चले गए, वहाँ पे रिश्तेदारों में तो वहाँ पे अर्जेस्ट हैं सर। कौन कौन रहता था इधर? यहाँ मेरी वाइफ थी, मेरे बच्चे थे। अच्छा, एक कमरे में? जी। तो रात को 12 बजे एक जबरदस्त भीड़ आई और जय श्री राम के नारे बोलते हुए, और हम लोग डर गए, हमने क्या हम पता नहीं कौन लोग हैं ये। तो सुबह हुई सर, सुबह होने के बाद हम अपने यहाँ से, हमने देखा यहाँ माहौल नहीं सही है तो हम बाहर अपने निकल गए। बाहर निकलने के बाद इधर से करीब सोमवार वाले दिन बहुत सारे दंगाई आए और उन्होंने पत्थरबाजी और आगजनी करी। जान बचा के तो भागे, कुछ भी नहीं लेके गए, ना अपने डॉक्यूमेंट्स निकाल पाए हम, जो हमारा केस रखा था हम वो भी नहीं निकाल पाए, जो हमारी थी सब खत्म कर दी, सब ले गया, सब जो माल रखा था कटिन वटिन का वो सब जल गया। अब हम खाली आते, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब कहाँ कहाँ से लेकर आएंगे हम, क्या करेंगे हम, कुछ नहीं है हमारे पास, पता नहीं हमने क्या गलती की है जो इतना सब कुछ कर दिया हमारे साथ में, हमारा तो कुछ गलती भी नहीं थी। किराए पे रहते हैं हम, सब खत्म कर दिया सब। पुलिस अगर आ जाती ना तो हमारे घरों की झगड़े नहीं होते सर, झगड़े होते नहीं, पुलिस आ जाती तो। प्रशासन 3 दिन आप लोगों के नहीं शादी नहीं दिया, पूरी रात हम ऐसी हालत में रहे। सुबह फजीर में 5 बजे निकाल के लेके गए थे हमें लोग, छोटे बच्चे चिल्ला रहे थे, रो रहे थे छोटे छोटे बच्चे। मेरी लड़की की शादी थी, मैंने माल जेवर पैसे इसमें कैश रख रखे थे, मेरे 2 लड़कियां एक लड़का है सर, और मैं सर पानी बेचता हूँ, बहुत सर गरीब आदमी हूँ, जैसे तैसे हमने साहब पैसे इकट्ठे कर पाए लड़की शादी के लिए, हम बर्बाद हो गए सर, हम कैसे अपनी बच्चों की शादी करेंगे, एक लड़की करती थी शादी, गाँव चले गई, मेरी वाइफ थी वो भी ले गए, ताला तोड़ के सब सामान ले गए निकाल के, हम सर गाँव चले गए, पानी बेचते सर, हमको मेरी कोई सर नौकरी भी नहीं है। यहाँ पे जिस टाइम हमारे ऊपर हमला हुआ, मैं जान बचा के भागे, गोली की फायर भी करी है और पेट्रोल फेंक के मकान में आग लगाई गई, जैसे तैसे मैं जान बचा के बच्चों की ओर अपनी भाग पाए हैं, मेरा सारा नुकसान सारा जला के सब कुछ ख़त्म कर दिया, कुछ भी नहीं बचा है जो कि कुछ बचा हो, जो कि खाने तक के लिए कपड़े तन पे एक कपड़ा कुछ भी नहीं, जो पहने बस वही खड़े हैं, कुछ भी नहीं बचा। अभी 8 महीने हुए मकान खरीदे हुए, अक्टूबर में लिया था, अभी मेरा इस पर कर्जा भी नहीं मैंने उसका उतारा, 2 लाख रुपए हम पे इस पर इस मकान का कर्जा है। मैं पानी रहा ना तो उसमें लाइट रही, जब उसमें ना तो बिस्तर भी नहीं, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं जो उसमें हम बच्चे अपने उसमें 1 घंटे भी रोका सके, सारा मकान उजड़ा पड़ा है, टूटा पड़ा है, काला है, सारी चीज़ हमारे पैसे और हमारी प्रॉपर्टी के कागज़ रखे थे वो सब यहाँ पे खो गए, मैं वही ढूंढ रहा हूँ, देखो सर 2-4 कपड़े मिले हैं और बाकी कुछ नहीं मिला, अभी कुरान शरीफ लेके गया हूँ मैं, वो भी ज़मीन में पड़ी हुई थी। हमारे 2 बच्चे हैं और मैं और मेरी वाइफ यहाँ पे गुजारा करते थे, और मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, ऑटो रिक्शा ड्राइवर हूँ, और सर 150 रुपये कमा के लाते थे, जैसे तैसे हमारा घर का खर्चा चलता था, हमने अपना पेट काट काट के अपने पैसे जमा करे और सब लोग आए हमारे घर में, हमारे कागज़ भी नहीं मिले, हमने लोनी के साइड एक प्रॉपर्टी ली थी मकान 25 गज का, वो भी नहीं मिला हमें, कुछ भी हमारे पैसे जमा करे हुए थे वो भी गायब है।
आप वापस आ रहे हैं आप लोग यहाँ? जी हमें यहाँ पर बहुत डर लग रहा है, हम वापस कैसे आए? जिन बच्चों को मैंने गोद में खिलाया वो आ गए मारने के लिए, हैं? ऐसी हरकत। ये मस्जिद हमारी, कुछ नहीं छोड़ा है यहाँ पे, निकाले हम आपको मारा है, बच्चे पढ़ने वाले इनको मारा है, सबको क्या छोड़ा भी नहीं, किसी ने सबको मारा है यहाँ पे। बहुत कॉल करी हमने, कोई भी नहीं आया, ना प्रशासन आया, ना किसी ने साथ दिया यहाँ पे, ना शासन ने साथ, ना प्रशासन ने, कोई नहीं साथ नहीं दिया, किसी ने साथ नहीं दिया। बच्चे पढ़ने वाले कुछ नहीं पता है यहाँ, बच्चे कहाँ गए, कुछ भी नहीं पता यहाँ से कहाँ गए। हम फिर यहाँ पे रहना चाहते हैं, लेकिन अमन शांति के साथ, भाईचारे के साथ जैसे रह रहे थे। डर बहुत, दहशत बहुत है सर, हमें अपनी माल की भी परवाह नहीं है, बस हमारी जान बच गई यही बहुत है।